मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे। हे गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि गाइज आप लोग भी कुछ इस टाइप की वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है भाई, अच्छे खासे यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल जाता है। सो गाइज, अगर आप भी कुछ इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के बाद अपलोड करोगे तो डेफिनेटली आपका भी वीडियो यहाँ पर वायरल हो सकता है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल फुल प्रोसेस के साथ आपको बता दिया है कि आप लोग भी कुछ इस टाइप की वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हमें एक उस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सो उस एप्लीकेशन का नेम है VN। गाइस, अगर आपके पास VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन नहीं है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देख सकते हैं मैंने अपने VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लिया है। सो गाइज, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने अपने VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर दिया है। एंड ओपन करने के बाद अब साइड में आप लोगों को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। सो यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेनी होगी, ठीक है। सो गाइज, मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये एक सिंपली एक वीडियो ऐड कर दिया है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड वीडियो ऐड करने के बाद अब आप लोगों को इस वीडियो के एंड में आना होगा। एंड में आने के बाद ये आपको एक ब्लैक कलर का एक वोटो मार्क देखेगा। सो आपको इस ब्लैक कलर के वोटो मार्क पर क्लिक करके आपको इसको यहाँ से डिलीट कर देना होगा। अब डिलीट करने के बाद गाइस, अगर आप लोग अपनी वीडियो में स्लो मोशन भी ऐड करना चाहें तो वीडियो को स्लो मोशन में करने के लिए यहाँ से आप लोगों को अपने इस वाली वीडियो के लेयर पर क्लिक करना होगा। एंड नीचे यहाँ पर आप लोगों को साइड में एक जो है स्लो मोशन वाला आइकन देखने को मिल जाएगा। सो आपको इस पर क्लिक करके इसको जैसे कि आप इस रेशो को नीचे ले जाके जाओगे सो आपका वीडियो में यहाँ पर स्लो मोशन ऐड हो जाएगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर स्लो मोशन में हो चुकी है। तो कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग अपनी वीडियो में यहाँ पर स्लो मोशन में कर सकते हैं, ठीक है। स्लो मोशन में करने के बाद गाइस, अगर आप लोग इसमें लिरिक्स वगैरह यहाँ पर इसको अच्छे से गाइस इसमें जो है इसकी गाइस इसमें आपको यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह इसको इंक्रीज करना चाहते हैं सो आपको करना क्या होगा, आपको फिर से अपनी वीडियो के लेयर पर क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फिल्टर वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप फिल्टर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फिल्टर भी देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज, अगर आप इसमें फिल्टर वगैरह कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। एंड फिल्टर के साइड में आप लोगों को एक आइकन देखने को मिलेगा एडजस्ट का, सो आपको एडजस्ट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। और गाइज, अगर आप इसके एक्सपोजर वगैरह को इंक्रीज करना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अच्छे से यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ गाइज, आप लोग यहाँ से भी इसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं। ये अच्छे यहाँ से भी गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडिट हो जाती है। इसकी ब्राइटनेस को भी आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी सैचुरेशन को भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं एंड इसकी वाइब्रेस को भी, ठीक है। अच्छे से आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें ना आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं गाइज। आप लोग भी अपनी वीडियो यहाँ पर अच्छे से जो है अच्छे से एडिट कर सकते हैं और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पर से मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मैंने अपनी वीडियो को यहीं से अच्छे से एडिट कर दिया है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर वीडियो को देख ही सकते हैं। अब हमें करना क्या होगा, इसमें यहाँ पर है ऊपर हमें लिरिक्स वगैरह जो है ऐड करने नहीं होगी। तो लिरिक्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा एंड फोटो एंड वीडियो वाला आइकन पर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक लिरिक्स वाली ये गाइज आप लोगों को लिरिक्स वाली ये वीडियो ऐड कर लेनी होगी। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ से लिरिक्स वाली वीडियो ऐड कर दी है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा तो इतना हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। सो गाइज, हमारे लिए यहाँ पर लिरिक्स वीडियो ऐड हो चुकी है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, आप लोगों को इसको यहाँ पर जूम कर लेना होगा। एंड जूम करने के बाद गाइज आप लोग इसको यहाँ से ऊपर की साइड इसको आप लोग अपने हिसाब से इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें यानी कि आप लगाना चाहें तो आप लोग इसको वहाँ पर लगा सकते हैं। एंड एडजस्ट करने के बाद अब आप लोगों को इसकी लेयर में एंड तक आना होगा एंड जहाँ तक आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं। एंड जिसका आगे का पार्ट है वो आप लोग यहाँ पर कट कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को स्प्लिट का एक आइकन देखने को मिलेगा, सो आप लोगों को कुछ इसकी हेल्प से आप लोग इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर सकते हैं। एंड हमें करना क्या होगा, हमने इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट तो कर लिया है लेकिन हमें इसका ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को इसके लेयर पर आपको क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर साइड में एक आइकन देखने को मिलेगा गाइज, यहाँ पर ब्लेंडिंग का एक आइकन देखने को मिलेगा। तो आपको ब्लेंडिंग वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को गाइज यहाँ पर स्क्रीन पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप स्क्रीन पर सेलेक्ट करेंगे इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एंड यहाँ से अभी इतना
अपना काम करने के बाद अब यहाँ से आपको ओके पर क्लिक करके एंड यहाँ से बैक आना होगा। एंड बैक आने के बाद अब आपको अपनी वीडियो वाली लेयर पर क्लिक करना होगा एंड जो इसका साउंड है ना, आप लोगों को इसका साउंड को यहाँ से म्यूट कर देना होगा। इस वीडियो में तो यहाँ पर सॉन्ग जो इसका साउंड नहीं है, लेकिन गाइज अगर आप कोई वीडियो शूट करके उसमें एडिट करोगे तो उसका साउंड आएगा। उसका गाइज आप लोगों को अपनी वीडियो का साउंड यहाँ से ऑफ कर लेना होगा। अब मैं आपको एक बार ये वीडियो पर लेकर के दिखा देता हूँ। इसमें तो यहाँ पर लिरिक्स वगैरह ऐड हो चुकी है, तो देख सकते हैं हमारी कुछ इस टाइप की यहाँ पर ये वीडियो बन चुकी है और आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर ये अच्छी भी लग रही है देखने में। तो कुछ इस टाइप से गाइज आप लोग यहाँ पर अपनी वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो गाइज अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोर्ट वाला आइकन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा और ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप लोग इसी वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में मुझे आपके साथ यही शेयर करना था। होप करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए हिंद।